आज हम लेके आए हैं डे 12 के क्वेश्चन का सलूशन। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और ये बोला जाए इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का और एटवुड मशीन सिस्टम दोनों को मिक्स करने वाला क्वेश्चन है, तो जेई के बच्चों के लिए बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों को पता है कि एटवुड मशीन हो, अगर एटवुड मशीन सभी लोग जानते हैं, जिसमें एक पुली हो और एक मास हो ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ये पुली ऊपर तरफ क्या है कहीं पे फिक्स हो, तो इसको बोलते हैं एटवुड मशीन सिस्टम। तो अगर हम बोलें कि यहाँ पे कितना टेंशन होता है स्ट्रिंग में, तो वहां पे हमने सॉल्व करके देख रखा है टेंशन कितना आता है, और मेरे ख्याल से सभी बच्चों को, चाहे वो नीट के हो चाहे जेई के बच्चे हो, सबको फॉर्मूला रटा होता है। फॉर्मूला कितना होता है उसका टेंशन का, टी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ, टी इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 इंटू यहाँ पे जी, इतना टेंशन होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ टेंशन टी है, तो आपको पता है सबसे ऊपर टेंशन कितना जाएगा, 2T हो जाएगा, ठीक है, ये सबको पता है। इसी बात को हम यहाँ यूज करने वाले हैं, यहाँ पे टेंशन क्या बोलेंगे, 2T है, यहाँ पे बोलेंगे टेंशन क्या है, 2T है, ठीक है। तो इतनी बात तो क्वेश्चन देखते ही पता चल गया। अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू नहीं किया, क्वेश्चन मन से पूछा गया T1 और T2 का डिफरेंस बताओ, ये टेंशन है, इनका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड बताना है। तो देखो ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन भी है, एटवुड मशीन सिस्टम का भी क्वेश्चन है। एटवुड मशीन सिस्टम से मैंने इतनी सारी जानकारी ले ली, अब इक्विलिब्रियम की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पे टेंशन T1 है, यहाँ पे टेंशन T2 है, तो ये टेंशन इधर लग गया, ये टेंशन इधर लग गया। देखो आप इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कंपोनेंट निकाल के सॉल्व करिए, चाहे आप इसको वेक्टर से करिए, हम यहाँ कंपोनेंट से निकाल के सॉल्व किए ले रहे हैं। ध्यान से देखो, मैं इक्वेशन बना देता हूँ फटाफट आपके लिए। ये अगर इक्विलिब्रियम में है, तो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लिखो, एक वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखो, काम खत्म। तो ये टेंशन का ये कंपोनेंट, ये टेंशन जो है हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री बनाएगा, क्योंकि ये एंगल 30 है, ये भी 30 होगा, तो ये कंपोनेंट जो आएगा कितना आएगा टेंशन का, T1 cos 30 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा, T1 sin 30 जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बाद में लिख दूंगा। यहाँ पे T2 है, तो क्या आएगा, T2 का कंपोनेंट क्या आएगा, यहाँ पे T2 का जो आएगा T2 cos 30 आएगा, क्या आएगा, T2 cos 30 बोल रहा हूँ, cos 60 आएगा। क्यों 60 आएगा, ये 60 ये भी 60, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 sin 60 हो जाएगा। तो आप देखो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर लग रहा है T1 और T2 का कंपोनेंट, और यहाँ लग रहा है 2T, तो मैं इसको फटाफट यहाँ पे लाके लिख लेता हूँ आपके लिए, 2 times of T is equal to क्या हो जाएगा, T2 sin 60 प्लस T1 sin 30, एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। अब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा, तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, तो क्या आएगा, T1 cos 30 इज इक्वल टू T2 cos 60 आएगा। cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, तो T2 is equal to क्या हो जाएगा, √3 times of T1 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये मिल गई, देखो आपको बढ़िया सी आराम से एक इक्वेशन यहां मिल गई। अब मैं इस T2 की वैल्यू को यहां पे ला के रख देता हूँ, ठीक है, और इसका इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अब यहां पे ये वैल्यू कितनी आएगी, इसमें अगर मैं वैल्यू भरूंगा तो क्या मिलेगा, मैं इसको अलग कलर से लिख देता हूँ, यहाँ पे यही वाली वैल्यू यहां भर देता हूँ, ठीक है। तो 2T2 यहां हो गया इज इक्वल टू T2 √3/2, T2 √3/2 प्लस T1/2 ये हो जाएगा। इसकी वैल्यू √3T1 रखो, तो 3T1 + T1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 4T1/2, मतलब 2T1। तो 2T1 = 2T, इसका मतलब क्या हो गया, T1 = T। क्या किया मैंने, यहाँ √3 रखा, तो ये हो गया 3T1, और ये T1, तो 4T1, 4T1/2 मतलब 2T1, तो T2T = ये इतना आ गया। तो हमारे पास T1 = T आ गया, और T2 = क्या हो जाएगा फिर, T2 = जाएगा √3T। काम खत्म, पैसा हजम, आंसर आ गया। कैसे, T1 - T2 चाहिए ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, √3 - 1 times of T आंसर हो जाएगा, √3 - 1 times of T आंसर हो जाएगा। तो √3 - 1 वाले ऑप्शन होंगे, या तो ये ऑप्शन होगा या तो ये ऑप्शन होगा, है ना। चलो अब T की वैल्यू जरा देख लेते हैं, एक 10 है एक 5 है, तो 2 times of 10 into 5 divided by 10 plus 5, तो ये कितना वैल्यू आपका बन जाएगा, मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ जिससे हमें याद करने में आसानी रहे। सो टी की वैल्यू क्या आएगी, 2 times of 10 into 5 into 10, जी की वैल्यू divided by 15, ठीक है, ओरली सॉल्व कर सकते हैं इसको हम। तो क्या हो जाएगा आपका, ये वैल्यू जो आएगी आपकी, ये 50 हो गई, और ये इंटू 2000 हो गया, 1000 divided by 15, तो मतलब ये आ गया 200 divided by 3, 200 डिवाइड बाई 3 इस टी की वैल्यू हो जाएगी, और ये
जो टी वन माइनस टी टू है वो रूट थ्री माइनस वन का पहले ही फैक्टर था, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। कैलकुलेशन है, तुम जान गए होगे, मैंने बहुत फटाफट कर दी है, ओरली सॉल्व कर दिया है। आप इसको और डिटेल में करना चाहो तो करके देख सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देखते रहो ध्यान से। और मैं 11, 12 दोनों की वीडियोस क्वेश्चंस पोस्ट करता हूँ रोज शाम को 5 बजे, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं।